हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एंथनी ग्रिंग्स के बारे में भाग दो। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जहां आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एंथनी ग्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है। तो आइए देखते हैं कि इनका जो विचार है संरचना और संरचना व्यवस्था और संरचनाकरण को किस तरह यह देखते हैं। तो इन्होंने व्यवस्था को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया है कि वर्ष के प्रत्येक दिन सिटी बसें शहर के निश्चित रूट पर चलती हैं और ये बसें लगातार अपने रूट पर चलती रहती हैं। लोग टिकट खरीदते हैं, बस में चढ़ते हैं और उतरते हैं। चढ़ने और उतरने की यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। सामाजिक प्रतिमान में क्रियाएं होती हैं, पुनः होती हैं, कुछ नया उत्पन्न भी करती हैं और ये क्रियाओं का यह सिलसिला जो है चलता रहता है। इस तरह सामाजिक व्यवस्था में कर्ता समूहों में संबंध होते हैं रहते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का एक प्रतिमान बनता है और यह प्रतिमान ही सामाजिक व्यवस्था है। तो यहाँ इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रयास किया है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, जैसे शहर की सिटी बसों की इन्होंने चर्चा की। उसमें व्यक्ति बैठता, डेली रूटीन आता जाता रहता है। उसके अलावा ऑफिस वर्क में व्यक्ति हमेशा जाता रहता है, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि यही जो हैं इनके निर्वहन में जो सामाजिक संबंध है या समूह निर्माण होते हैं उन्हीं को इन्होंने एक प्रतिमान के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि यही जो है सामाजिक व्यवस्था है। इसके विपरीत इन्होंने संरचना में क्रिया करने वाले कर्ता को अनुपस्थित बताया है और स्पष्ट किया कि हमें कहीं भी संरचना क्रियाशील रूप में दिखाई नहीं देती है। तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को क्रियाशील देखा है और संरचना को क्रियाकर्ता की जो क्रिया होती है उसको अनुपस्थित रूप में देखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी सीमा तक संरचना की अवधारणा हमें इसके संरचनाकरण में ही देखने को मिलती है। संरचना का कहीं भी देखना हो तो व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। इसे हम तभी पाते हैं जब इसका प्रयोग करते हैं। यह हमारी स्मृति में होती है और संरचना मनुष्य के मस्तिष्क के बाहर नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रिंग्स का मानना है कि संरचना जो होती है वह हमारी स्मृति में होती है और संरचना मनुष्य के मस्तिष्क से बाहर नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा संरचना का अस्तित्व नहीं है, हम अपनी क्रियाओं के माध्यम से बराबर उत्पन्न करते हैं, अर्थात हम संरचना को बनाते रहते हैं, फिर उसे बिगाड़ते हैं, फिर से बनाते हैं। तो हम संरचना को ध्यान में रखकर क्रियाएं करते हैं और क्रिया में ही संरचना उत्पन्न होती है। उन्होंने क्या, हम एक तो संरचना को ध्यान में रखकर क्रिया करते हैं जिस तरह की हमें संरचना बनानी होती है और उस संरचना के आधार पर हमें अपने और क्रिया के आधार पर ही उस संरचना को उत्पन्न करते हैं। ग्रिंग संरचना के 2 बड़े लक्षणों को बताते हैं। पहला कि संरचना हमें क्रिया करने लायक बनाती है, दूसरा यह कि संरचना हम पर दबाव भी डालती है। इन्होंने कहा कि संरचना हमें क्रिया करने लायक बनाती है कि हमें कौन सी भूमिका निभानी है यह बताती है, और दूसरा कि उस भूमिका के निर्वहन के लिए संरचना हम पर जो है दबाव भी डालती है। अब इनके संरचनाकरण की आलोचनाओं को देखते हैं। आलोचकों को मुख्यतः 2 समूह में देखा जा सकता है। एक समूह है थॉम्सन, आर्चर, लेडर और लिप्से का। इनका कहना है कि गिडिंग्स इस बात पर बहुत अधिक जोर देते हैं कि एजेंट जो करता है वह संरचना पर ही क्रिया करने की क्षमता पाता है, अर्थात संरचना के माध्यम से ही क्रिया करने की क्षमता पाता है।
संरचना उन्हें सिखाती है अब अमुक परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाए। तो आलोचक कहते हैं कि इस पर जोर देते हैं कि संरचना ही सिखाती है कि अमुक किसी भी परिस्थिति में किस तरह से कार्य किया जाए, लेकिन वे इस बात पर जोर नहीं देती कि किस भांति संरचना उन पर अमुक क्रिया के लिए दबाव डालती है। उन्होंने स्पष्ट इसकी व्याख्या नहीं की है कि किस तरह संरचना जो है क्रिया करने के लिए व्यक्ति के ऊपर दबाव, कर्ता के ऊपर दबाव डालती है। आलोचकों का जो दूसरा समूह है उसमें ग्रेसन, बर्टिल्सन और थ्रिस्ट का है। इन आलोचकों ने संरचनाकरण के सिद्धांत के दूसरे मुद्दे की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि वह अनुभविता है। आलोचक तो यह स्वीकार करते हैं कि संरचनाकरण ने दोहरेपन की समस्या को हल किया है, लेकिन आनुभविक विश्लेषण में अधिक लाभदायक नहीं है। इन्होंने कहा कि एक समस्या जो है प्रकार्यवाद और अन्य सिद्धांतों में जो देखने को मिलता था उसको इन्होंने दूर किया था, दोहरेपन की समस्या को दूर किया, ड्यूअलिटी को, लेकिन इसने जो है आनुभविक विश्लेषण में अधिक यह लाभदायक नहीं है। अब दोहरापन क्या है, जो कहीं किसी सूक्ष्म आधार पर समाज की व्याख्या कर रहा है तो कोई समाज के आधार पर, बृहद आधार पर समाज की व्याख्या कर रहा है। कोई व्यक्ति को महत्व दे रहा है तो कोई समाज को या संरचना को महत्व दे रहा है। यही कहा इन्होंने कि अभी तक के जो भी अध्ययन विधियां देखी गई हैं समाज की, उसमें दोहरेपन का सिद्धांत है। और इन्होंने कहा दोहरेपन अर्थात ड्यूअलिज्म के स्थान पर ड्यूअलिटी का प्रयोग हमें करना चाहिए, अर्थात संरचना और व्यक्ति के में जो है पारस्परिकता का संबंध होता है, अर्थात दोनों को एक साथ लेकर हमें चलना चाहिए। इस सिद्धांत में अमूर्तीकरण इतना अधिक है कि इसका आनुभविक पहलू हो जाता है। इन्होंने कहा इस सिद्धांत में जो है अमूर्त सिद्धांत है जो कि आनुभविकता की पहलू को खो देता है। अब गिडिंग्स का आधुनिकता का सिद्धांत के बारे में क्या विचार है, आइए देखते हैं। गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक, तो पुस्तक भी पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार इनकी जो पुस्तक इंटीमेसी वाली थी वह पूछी गई थी और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत करके आए थे। नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1985 में आधुनिकता का विश्लेषण किया। इन्होंने कहा कि उद्विकासवाद, प्रकार्यवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का विरोध इन्होंने किया है। इनकी धारणा की जो सारी इनकी जो धारणा है कि सारी दुनिया के लिए सामान्य नियम बनाना कतई संभव नहीं है। तो गिडिंग्स का मानना था कि समाजशास्त्र में सामाजिक नियम को सार्वभौमिक रूप से बनाना जो है संभव नहीं है। वे अपना संरचनाकरण के सिद्धांत को आधुनिकता के विश्लेषण में पूरी तरह लागू करते हैं और यह आधुनिकता के प्रबल समर्थक हैं और उत्तर आधुनिकता का विरोध करते हैं। तो ये आधुनिकता के प्रबल समर्थक हैं, उत्तर आधुनिकता के विरोध करते हैं। इनके अलावा जुर्गिन हैबरमास भी उत्तर आधुनिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस संदर्भ में उन्होंने कहा था जुर्गिन हैबरमास ने कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है या असमाप्त प्रोजेक्ट है। आधुनिकता किसे कहते हैं, गिडिंग्स ने 1600 ईस्वी के बाद यूरोप में जिस तरह के समाज का उद्भव हुआ वह आधुनिक था। इसमें कई सामाजिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान था। संस्थाएं जो आधुनिकता बनाती हैं वह निम्न प्रकार से हैं, पूंजीवाद, उद्योगवाद। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद, उद्योगवाद, राज्य की निगरानी स्टेट सर्विलेंस, राष्ट्र का सूचना पर नियंत्रण, सैनिक शक्ति का विकास, ये सब जो पांचों तथ्य हैं यह मिलकर जो है आधुनिकता लाती है। आधुनिकता की परिभाषा, गिडिंग्स के अनुसार सामान्यतः आधुनिकता को हम इन चार संस्थाओं के अंतःक्रियाओं के रूप में देखते हैं कि पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्र राज्य और उद्योगकृत युद्ध, इन चारों संस्थाओं का वैश्वीकरण होता है तब वहाँ आधुनिकता होती है। गिडिंग्स ने सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं की अंतःक्रिया को आधुनिकीकरण कहा है और इस आधुनिकीकरण को गति देने का कार्य वैश्वीकरण करता है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद को वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक अंग बना दिया है।
इन्होंने कहा है कि जो है राजनीतिक संस्थाओं की अंतःक्रिया आधुनिकीकरण है और इस आधुनिकीकरण को गति देने का कार्य वैश्वीकरण करता है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद को वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार बना दिया है कि आज सभी जगह पूंजीवाद है, प्रतिस्पर्धा है और एक जगह का माल जो है बनता है तो दूसरी जगह पर बिकता है, अर्थात आज लाभ के लिए व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से कार्य कर रहा है। आधुनिकता के लक्षण। अपनी पुस्तक नेशन एंड स्टेट एंड वायलेंस 1985 में उन्होंने आधुनिकता के निम्न लक्षण दिए हैं, जिसमें पहला है टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी हैं या सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। समय और स्थान की अवधारणा में परिवर्तन। आज दुनिया जो है टाइम एंड स्पेस की में चेंज बताया है कि आज दुनिया में कामकाज एक ही समय पर एक स्थान पर नहीं होते हैं, अब समय एवं स्थान अलग अलग हो सक गए हैं। एक आधुनिकता का लक्षण है कि आधुनिकता से पहले जो पूरा परिवार एक स्थान पर रहता था लेकिन आज वह अब नहीं है। किसी भी परिवार का कोई सदस्य दिल्ली है तो कोई मुंबई है, कोई लखनऊ है, कोई आगरा है, कोई ब्रिटेन है, कोई ऐसे ही अलग अलग जगह एक ही रहते हैं। जहाँ परंपरागत समाज में व्यक्ति एक साथ रहकर कृषि करते थे वहीं आधुनिक समाज में अलग अलग रहकर औद्योगिक कार्य में लगे हुए हैं। आज तकनीकी अनुसंधान दुनिया के दूर दराज क्षेत्रों में पल झपकाते ही पहुंच जाती है। जहाज के माध्यम से जहां पहले सालों महीनों लग जाते थे वहां आप एक दो घंटे में पहुंच जाते हैं। तो दुनिया की जो परपाटी है वह सिमट गई है कि आज हमें कहीं भी जाना हो तो कुछ घंटे लगते हैं, जो कि परंपरागत समाज में हमें महीनों और सालों लग जाते थे। तो इन्होंने कहा इसी तरह जो है टाइम और संस्थान संकुचित हो गए हैं। तो सीधे सीधे यह ऑप्शन पूछ लेता है कि किसके अनुसार या गिडिंग्स के अनुसार आधुनिकता की क्या अवधारणा थी, तो इन्होंने समय और स्थान किस संकुचित होने की अवधारणा दी है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत संबंध होता है। परंपरागत समाज में स्थानीय संस्थाएं नियम और रस्म रिवाजों के अनुसार कार्य करती थी। गिटिंग्स कहते हैं कि आधुनिक समाज में सब बदल गया, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र, सांस्कृतिक और समुदाय के से दूसरा समुदाय प्रभावित हो गया और देश के बीच व्यापक सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुआ। इन्होंने कहा कि आज आधुनिकता के समय में संस्कृति से लेकर कल्चर से लेकर खानदान से लेकर समुदाय एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। आज जो पिज्ज़ा बर्गर हम अमेरिका की संस्कृति में थी वह पिज्ज़ा बर्गर आज भारतीय संस्कृति में बन गया है। यहाँ तक कि उनके तरह बोलना उठना कपड़े पहनना आज भी समुदाय एक समुदाय से दूसरे समुदाय से जो है प्रभावित हो रहा है। ग्रीटिंग्स कहते हैं संबंधों का यह बदलाव दो स्तरों पर हुआ है, एक सिंबॉलिक अर्थात प्रतीकात्मक, दूसरा विशेषज्ञता अर्थात एक्सपर्ट। इन दो स्तरों को मिलाकर हम अमूर्त व्यवस्था को बना देते हैं। इन्होंने कहा प्रतीक और विशेषज्ञता दोनों स्तर को मिलाकर हम अमूर्त व्यवस्था बना देते हैं। अब वस्तुओं का विनिमय प्रतीकों के माध्यम से होता है, यह माध्यम समय और स्थान को जोड़ देता है। इसी तरह विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी हुआ है। इन्होंने कहा कि वस्तु का प्रतीक महत्वपूर्ण देता है, उस आधार पर वस्तु का विनिमय होता है, अर्थात उस वस्तु की कीमत या बाजार की उपयोगिता के आधार पर ही उस वस्तु का जो है वो होता है। इसी तरह की विशेषज्ञता है, आज प्रत्येक कार्य को करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे कोई फोन को बनाना है कोई उसको इंस्टॉल करता है, कोई इसके बॉडी पार्ट को बनाता है, कोई इसके आईसी और चिप को इंस्टॉल करता है, तो कोई कवर बनाता है, कोई चार्जर बनाता है, तो ये सब अलग अलग विशेषज्ञता के आधार या क्षेत्र के में देखने को मिलता है। आज किसी कार्य के लिए उसके अलग अलग भागों को अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से पूरा किया जाता है, यह संपूर्ण विश्व के एक पारस्परिक संबंधों का ताना बना देता है। तीसरा बात इन्होंने बताया कि आधुनिक समाज की स्वसमता। तो एग्जाम में जो डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाएंगे या जो हेडिंग है
यही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने तीसरी विशेषता बताई, द रिफ्लेक्सिविटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। स्वसमता का अर्थ है कि समाज एक बराबर बनना चाहता है। गिडिंग्स ने आधुनिक समाज को एक रिफ्लेक्सिव यानी स्वसमता समाज की तरह परिभाषित किया है। स्वसमता यह आधुनिक समाज का बहुत बड़ा लक्षण है और इस समाज में संस्था और व्यक्ति के स्तर पर बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। इस परिवर्तन के कारण आधुनिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन बदल रहे हैं। गिडिंग्स कहते हैं कि एक सूचना समाज में रहने का मतलब हमारे सोच में वृद्धि। स्वसमता का मतलब है कि हम जिस समाज में या परिस्थिति में रहते हैं उसके बारे में निरंतर सोचना और चिंतन करना है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इस बारे में भी सोचना है। जैसे पहले कोई आम व्यक्ति परंपरागत समाज में राज्य के नियमों या निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन आज एक सामान्य व्यक्ति राज्य के निर्णय और नियमों में हस्तक्षेप करता है। उसके लाभ और हानि के आधार पर, उपयोगिता और दुरुपयोगिता के आधार पर। गिरिंग से ने अगली इस विशेषता बताई है कि आधुनिकता समाज को इन्होंने रिफ्लेक्सिव समाज कहा है कि समाज के संसाधनों पर आज समाज ऐसी स्थिति में ला दिया है कि दुनिया भर में सूचना का विशाल भंडार है। आज हम एक स्थान पर रहकर, जैसे हम भारत में हैं तो हम ब्रिटेन के अन्य क्षेत्रों के की सूचना हमें तत्काल प्राप्त हो रही है कि वहाँ क्या चल रहा है। आज परंपराओं के माध्यम से व्यवहार न प्रभावित होकर तर्क संगत से प्रभावित होता है। आज व्यक्ति के व्यवहार को परंपराएं अधिक व्यवहार प्रभावित नहीं करती आज इसका उदाहरण हमें आपराधिक घटनाओं में देखने को अधिक मिलता है कि जहाँ व्यक्ति पहले परंपराओं से बंधा हुआ होता है कि हम इन परंपराओं को तोड़ेंगे तो समाज हमें बहुत कठोर दंड देगा, लेकिन आज व्यक्ति परंपराएं तोड़ता है तो उसे किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता। अर्थात कानूनी दंड या तार्किक दंड तर्क के आधार पर, उसके अपराध के आधार पर दंड मिलता है। अगली बात इन्होंने बताई जो है वह है तात्विक सुरक्षा के लिए आधुनिकता के परिणाम, द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी फॉर द ओंटोलॉजिकल सिक्योरिटी। ओंटोलॉजिकल सिक्योरिटी, समाज में जब संस्थाओं में ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो आम आदमी कामकाज में इन संस्थाओं में दखल बढ़ जाता है। इनका संस्थाओं में ज्ञान जब अधिक वृद्धि हो जाता है तो आम आदमी के कामकाज में भी यह संस्थाएं दखल लेने लगती हैं। तब तक खास तरह से संदेह इन संस्थाओं के प्रति बढ़ जाता है। गिडिंग्स का विश्वास है कि बढ़ती हुई आधुनिकता ने समाज और उसकी वस्तुओं के प्रति व्यक्ति में अविश्वास पैदा कर दिया है। उनके लिए विश्वास की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। तो इन्होंने कहा जैसे जैसे व्यक्ति आधुनिक होते गया उसकी परंपरागत विश्वास जो थे वह उसको तर्क के कसौटी पे देखने के लिए गया। और इसका महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, तो विश्वविद्यालय ने किया। विश्वविद्यालय ने व्यक्ति की परंपरागत सोच और तार्किकता के आधार पर देखने का कहा और उस विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, अर्थात उसके प्रति अविश्वास पैदा किया है। विश्वास का गहन संबंध तात्विक सुरक्षा अर्थात ओंटोलॉजी से है। यह सुरक्षा मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी होती है। बच्चे का सबसे बड़ा विश्वास है कि उसकी माता पर होता है। गिडिंग्स ने बड़े विस्तार के साथ विश्वास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर संसार में कोई यथार्थ है तो यह विश्वास ही है। इन्होंने कहा संचार में कोई सच्चाई है तो वह विश्वास ही है। विश्वास अपने आप में अमूर्त होता है, इसे हम केवल अनुभूति कर सकते हैं। अर्थात विश्वास को हम देख नहीं सकते, अनुभूति कर सकते हैं कि फला व्यक्ति विश्वासी है। विश्वास अवैयक्तिक होता है। आज भी बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि आधुनिकता ने इस विश्वास को, जो मनुष्य को जीवित रहने का आधार है, उसको हिला दिया है। अर्थात उसके
विश्वास के प्रति संदेह पैदा किया है जिससे वह अविश्वासी हो गया है। अगली उन्होंने विशेषता बताई आइडेंटिटी क्राइसिस की, कि आधुनिकता में जो है पहचान का खतरा है। गिडिंग्स आधुनिकता को मूर्धन्य विद्वान मानते हैं। वे सोचते हैं कि 30-40 वर्षों में हमारे संपूर्ण अस्तित्व आधुनिकता ने झंझोर दिया है। आज से 50-60 पहले आदिवासी के सामने किसी तरह की प्रकार या पहचान की संकट नहीं थी या कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आधुनिकता ने आदिवासियों को ऐसी चौखट पर लाके खड़ा कर दिया है जहां उसके सामने सैकड़ों समस्याएं एवं चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या आधुनिक समाज में उसकी पहचान की है। जहां 50-60 वर्ष पहले आदिवासी समाज जो है उसकी अपनी परंपरा होती है थी, अपनी पहचान, विशिष्ट पहचान होती थी, लेकिन आधुनिक समाज में वह धीरे धीरे आधुनिक समाज के संपर्क में आया जिससे उसके जो है पहचान का संकट उभरा। जंगलों पर राज्य का अधिकार होने के साथ साथ व्यक्ति को उन्हें जो है जनजातियों को जो है मुख्य धारा में या आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास से जो है आदिवासियों के पहचान की जो है संकट उत्पन्न हो गई है। अगली इम्पॉर्टेंट अवधारणा है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अर्थात प्लास्टिक कामुकता। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारा आधुनिक संस्थाओं का जो ज्ञान है वह हमें ऐसी कामुकता की ओर ले जाता है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान बनाने में जुटा रहता है। अब कामुकता का संबंध प्रजनन से नहीं रहा है। पिछले वर्षों में कामुकता का सबसे बड़ा उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना था, लेकिन कामुकता की पहचान प्रजनन से जो है पिछले वर्षों में प्रजनन से थी। आज यह पहचान जो है खो गई है। अब व्यक्ति को अपने आप को शारीरिक व्यक्तित्व के स्तर पर ऐसे विकसित करना चाहता है कि उसकी अपनी अलग पहचान बन सके। तो प्लास्टिक कामुकता क्या है कि व्यक्ति की वह सोच जो अपनी शारीरिक और व्यक्तित्व स्तर को ऐसे विकसित करे कि उसके आधार पर उसकी एक अलग पहचान बने। जैसे कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, कोई स्लिम बनना चाहता है, तो उस आधार पर जो है अपना पहचान बनाना चाहता है, तो वह उसे ही गिडिंग्स ने अपनी भाषा में प्लास्टिक सेक्सुअलिटी कहा है अर्थात कामुकता, प्लास्टिक कामुकता कहा है। इन्होंने कहा शरीर का रख रखाव, सौष्ठव भरा पूरा चेहरा, लंबे घने बाल, स्लिम शरीर, ये सब जो है प्लास्टिक कामुकता के अंग है। और गिडिंग्स ने इसे आधुनिकता की पहचान कहा है कि आधुनिकता के आने के साथ ये सब आए हैं। आज व्यक्ति अपनी शरीर पर अधिक ध्यान देता है, उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट जो है यूज करता है। कोई मोटा होना चाहता है, कोई स्लिम होना चाहता है, कोई हष्ट पुष्ट होना चाहता है, तो हर चीज लोगों की अलग अलग धारणा है कामुकता के लेकर। तो ग्रिंग्स कहते हैं जो व्यक्ति की यही बनने की इच्छा जो है वही जो है कामुकता है। अगली है गिडिंग्स कहते हैं कि आधुनिकता संस्थाओं पर व्यक्तियों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर आने वाली बुनियादी परिवर्तन का पर्यायवाची है। परिवर्तन की ये प्रक्रियाएं व्यक्तियों में अपनी पहचान बनाने पर जोर देती है। इन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति जो है सामूहिक पहचान के रूप में जाना जाता था, फला जात क्या है, फला का लड़का है, निकाने का लड़का है, लेकिन आज आधुनिकता ने ऐसा परिवर्तन लाया है कि व्यक्ति अपना स्वयं का पहचान बनाने पर जोर देता है। अपने दैनिक जीवन में लोग कई आवश्यकताओं की अपेक्षा करते हैं और उन संस्थाओं से भी बहुत कुछ आशा करते हैं जो इर्द गिर्द है, वह यही आधुनिकता है। इन्होंने कहा कि बहुत कुछ संस्थाएं बहुत कुछ जो हमारे आस पास बगल हैं वही जो है आधुनिकता है। गिडिंग्स कहते हैं कि स्वयं वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य का अवधारणा को जन्म दिया है। तो गिडिंग्स यहाँ पे कहते हैं कि जो वैश्वीकरण ने है इसने प्रत्येक राज्य को एक राष्ट्र के रूप में बना दिया है अर्थात राष्ट्र राज्य की अवधारणा दी है। इससे पहले था कि राष्ट्र केवल राज्य थे ही थे। ऐसी अवस्था में वैश्वीकरण किसी भी स्थिति में राष्ट्र राज्य को
निगल नहीं सकता है। हेल के अभिशासन से इन्होंने, हेल्ड ने जो है इस अविश्वास या विश्वास विश्व अभिशासन को जो है असहमत थे। इनकी जो यह धारणा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य को एक बना दिया है, इसकी जो है हेल्ड ने आलोचना की है। आइए देखते हैं कि प्रमुख कृतियाँ क्या थी। तो यह थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। तो कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोसाइटी, सॉरी मॉडर्न सोशल थियरी जो है 1971 में इनकी पुस्तक आई थी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी। अगली पुस्तक है इनकी पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन थॉट ऑफ मैक्स वेबर 1972। अगली पुस्तक है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी 1973, पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजी 1974। अगली पुस्तक है पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजी 1974, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड 1976। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पूछे जाने वाला पुस्तक है इनका, कि द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इससे मिलता जुलता पुस्तक जो है दुर्खीम का है, कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड जो है दुर्खीम से संबंधित है। वही द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1976 एंथनी ग्रिन्स की पुस्तक है। इमाइल दुर्खीम 1978, स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1979, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इन सोशल थियरी। इन्होंने कहा सामाजिक सिद्धांतों की केंद्रीय समस्या क्या है, उसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। एक कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मैटरलिज्म 1981 पर, अर्थात इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना करते हुए उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है। सोशियोलॉजी ऑफ ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन 1982, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक इन द सोशल थियरी 1983, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह भी पूछी गई है UGC नेट के एग्जाम में। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1985, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी 1990, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है क्वेश्चन जो है मैचिंग वाले में पूछा जाता है बुक्स। इसके अलावा जो है पिछली बार यह पुस्तक पूछी गई थी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, तो इसको आधा ही दिया गया था। तो इसका है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी सेक्सुअलिटी लव एंड फ्लोरिज्म 1992 में, पिछली बार यह सीधे ही क्वेश्चन इस पर बना हुआ था। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।